I'm standing on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Hello guys, welcome back to my channel. So today is my second day in Jaipur, but we're going back. कितना मैला हो गया मेरा बाइक, उसको साफ भी करना पड़ेगा. सो अभी हम लोग इधर रह रहे थे होटल में, होटल के कंफर्ट. मुझे ऐसा लगा के महाराज जो होटल था, है छोड़ो ये है होटल के कंफर्ट, बहुत अच्छा होटल है ये. सर्विस मुझे को थोड़ा सा बोर लगा, पर हाँ ओवरऑल ठीक था. कल मैंने वो खाया था चिकन, मुझे को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं. बहुत ही कच्चा था चिकन, तो बिल्कुल ही मत खाना यहाँ से अगर आप इस होटल में आ रहे हो. ओवरऑल रेट्स बहुत अच्छे हैं, रेट्स अभी मुझे को नहीं मालूम है क्यों, अभी हम लोगों का ग्रुप लीडर को है, उसने किया हुआ है तो उसको पता है. तो ओवरऑल बहुत अच्छा जगह है ये, ठीक है. सो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत घूमेंगे. हमने अपने सब बैग्स एक रूम में छोड़ दिया है, वो पूरे बैग्स उधर सेफ है. घूमेंगे थोड़ा सा, वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद बैग्स उठाएंगे और फिर चल पड़ेंगे दिल अपनी घर की तरफ, ठीक है. सो तब तक मज़े करते रहो और मेरे चैनल देखते रहो. We'll never forget the past, but what counts is our brand new start. चलो अब हम लोग चल रहे हैं अपना राइड पे. अब सब सामान तो एज यूजुअल हमने उधर ही छोड़ दिया है, अपने सब राइडर्स तैयार है इधर. अभी यही फैसला करें यार भाई कौन सा बाइक में बैठे. Even if it hurts me or I get scared, just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far. Oxygen, all in an otherwise suffocating world. I'm reaching out for arms, I'm drowning.
making girl. पहुंच गए हैं इधर अपने साथ कूल पाजी सदाज ड्रम एंड पाडो रेस्टोरेंट. इधर एक रेस्टोरेंट भी है फिर सनराइज पॉइंट. यहाँ से अगर यहाँ सुबह सुबह आ जाओ ना अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा. बहुत सुंदर सुंदर जगह है ये. मेरे को यार ये पिछली बार जब मैं आया था ना इधर ये लगता है ये डिफरेंट फोर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसके बारे में. चलो फिर चलते. अब हम लोग पहुंच गए हैं किला में इधर. तो हमने गाइड भी लिया हुआ है. ये है वो गाइड सब कुछ बता देगा इस किले के बारे में सब कुछ. ठीक है सो चलो अब हम लोग अपने टूर शुरू करते हैं. सो ये टोप के कितना बड़ा है. ये टोप 250 टन. उसका मतलब अगर उसका गोला भी तुम्हारे ऊपर गिर गया. हाँ हाँ अच्छा तो मतलब अगर ये टोप हमारे ऊपर गिर गया समझ लो हम मर गए. सुना टोप हमारे ऊपर गिर गया. ये टायर तो कभी घिसते नहीं होंगे. ये टायर नहीं वो टोप. सुनिए सर आप ये टोप देख रहे हैं अभी तक मतलब चली नहीं. टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया बस यानी कि यूज में ही इस्तेमाल नहीं है. जैसे आप ये किला देख रहे हैं 1000 ईयर ओल्ड है. अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी महाराजा का किला है. जो महाराजा है उनका नाम है पद्मनाथ सिंह. वो 21 ईयर्स के इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं. जैसे आप ये पीछे का झंडा देख रहे हैं राजा का झंडा है. अगर राजा आज भी जयपुर में होते हैं तो यहाँ पर डबल झंडे होते हैं. अगर राजा जयपुर में नहीं होते सिंगल झंडा होता है. ऊपर वाले झंडे को बोला जाता है सवाईचक मतलब राजा का प्रतीक. नीचे वाले को बोला जाता है जनता का प्रतीक. जैसे आप ये किला देख रहे हैं 1000 ईयर ओल्ड है. इसका निर्माण करवाया राजा कोकिल देव ने 1036 में. इसको बनने में 700 ईयर्स लगे. इस फोर्ट को 27 किंग्स ने मिलकर इसको कंप्लीट किया. 16 शताब्दी में कंप्लीट हुआ राजा जयसिंह के समय में. उन्होंने अपने नाम से इस किले को जागर दिया. जयपुर शहर को जयपुर दिया. जंतर मंत्र को जंतर मंत्र दिया. 1720 में बल्ला अजस्ट करण का निर्माण करवाया. इसका नाम है जयवान. जय का मतलब जयसिंह वान का मतलब हथियार. 300 साल पुराना किला. इसका बैरल देख रहा हूँ ऊपर रख लिया. 100 kg गन पाउडर 50 kg का बोल चाहिए. इसकी रेंज है 35 किलोमीटर. आपने चौकी रानी का नाम सुना होगा. उसके पास में गांव है चाकसू. वहाँ पे जाके इसका बोल गिरा. वहाँ पे इतना बड़ा खड्डा हो गया कि राजा ने उसका नाम पर से रखने के लिए गोली मार रहा होता था. आज भी ऊपर है. इसके नीचे देखना अभी एक जैक सिस्टम लगा हुआ है. इसके बैरल को ऊपर नीचे करने के लिए 6 आदमी लगते हैं. ऊपर की युगल पक्षी का जोड़ा बना रखा है जहाँ पे 100 मीटर का बत्ती लगाते हैं. 100 मीटर का बत्ती लगाते हैं उसको जलाने के बाद पीछे पानी में कूद जाते हैं. पानी में भी इतनी तेज बात मार करता था कि चलाने वालों के कान के पर्दे फट गए. 10 फुट मृत्यु हो गई थी. जो आप इसके आगे के व्हील देख रहे हैं वो 9 फिट के हैं. पीछे के व्हील है 4 फिट के. पीछे के व्हील में रोलिंग पिन दिया गया है. 4 एलिफेंट के द्वारा इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं. 2 हुक बैक साइड में है 2 हुक फ्रंट साइड में है. इस गाड़ी को आर्मी कलर इसलिए दे रखा है जो कि महाराजा थे मानसिंह सैकड़ों भवानी सिंह आर्मी में कर्नल ब्रिगेडियर थे. इस गाड़ी को अलग अलग पार्ट्स में ला के यहाँ पे असेंबल किया गया. एलिफेंट के सहायता के द्वारा इसका फुल वेट है 250 टन. जो यहाँ के महाराजा है वो आज भी इसकी विजयदशमी के दिन आके पूजा करते हैं. इसको ओनली 1 ट्रायल के तौर पर इसमें लिया गया. इसके बाद में कभी इसमें लिया गया क्योंकि इतना विनाश का जब इसको पहली बार चलाया जहाँ पे इसका बोल जाके गिरा वहाँ पे सभी लोगों का स्पोर्ट खत्म हो गया. ये गाड़ी देख रहे हैं फिर इसका पूर्ण निर्माण किया राजा राम सिंह जी ने. 1835 में करवाया. 1880 में कंप्लीट हो गया. इसको अलग अलग पार्ट्स में ला के यहाँ पे रखा गया. ये 300 साल से यहीं रखा हुआ है. अब इसको सारे आप चार तरफ से देख सकते हैं. तो चलाया इसको यहीं पर था यहीं से और 300 साल से यहीं रखा हुआ है. अब इसको सर आप चार तरफ से देख सकते हैं फोटो ले सकते हैं. फिर इधर सिड्डियाँ हैं. सिड्डियों से टोप पर आपको जानकारी 17,000 सैनिक 2 साल तक पानी पी सकते हैं. अभी उस वाटर टैंक में पानी स्टोर किया जाता है जो कि महाराजा के लोग उसी से पानी पीते हैं. अगर आपने सुना हो कि 1976 में जो इंदिरा गांधी ने 60 ट्रक खजाना निकाला वो इसी किले से निकाला नीचे वाटर टैंक से. अब वहीं चले गए. अच्छा we
my evidence, you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind for the last. चलो अब हम लोग चलते हैं वापस. मेरा कैमरा का बैटरी लो हो रहा है, बस थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग बचा है इसमें वो मैं कंप्लीट कर लूँगा. अब हम लोग फोर्ट से लीव कर रहे हैं. या माय गाइस ने जो एक्सप्लेन किया अब हम लोगों को बहुत देरी हो रहा है, तो हम वापस जाएंगे, बैग्स उठाएंगे और निकलते हैं दिल्ली के लिए. ठीक है, तो चलो अब हम लोग बाइक पर पैक करते हैं और चलते हैं. ये देखो ये कासल कितना अच्छा है, कासल फोर्ट जो भी हो यार, बट जगह बहुत अच्छा है यार. सोच रहा हूँ यहाँ की महाराजा रानियाँ कैसे चलती होंगी इसमें यार. इसमें तो मेरे यार इंसान का हालत वैसे ही ख़राब हो जाए. ओ वेल, चलो यार अब हम लोग चलते हैं, आराम भी करते हैं हम लोग. अभी हमने सब पैक कर लिया यार, अब जा रहे हैं. अभी 1:30 हो रहे हैं. एक मिनट मैं आपको ठीक से बताता हूँ. 1:20 हो रहा है अभी दोपहर का. और अभी हम लोग बस जाएंगे, अभी हम लोग कहीं जाएंगे, कुछ खाना वाना भी खाएंगे, फिर उसके बाद हम नॉन स्टॉप चल पड़ेंगे दिल्ली. दिल्ली में फिर मैं देखता हूँ, अगर बहुत अंधेरा होता गया तो शायद मुर्गों के ही रहना पड़ेगा. ठीक है, चलो फिर चलते हैं.